बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूँ रिजवान अख्तर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दुबई ऑटोस। डियर व्यूवर्स, हम वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनको होंडा CD70 101 तब्दीलियों के साथ मिली। देखा जाए तो ये एक नया मॉडल है। वैसे भी होंडा कंपनी ने इतनी तब्दीलियां करके मोटरसाइकिल की तारीख में तहलका मचा दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। होंडा CD70 में की गई चंद तब्दीलियां जिनको आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम मोटरसाइकिल की हेडलाइट की बात करें तो यहाँ होंडा ने प्लास्टिक की हेडलाइट डुअल मर्करी बल्ब के साथ दी गई है। CD70 की फ्यूल टैंकी की कैपेसिटी की बात करें तो वो 8.5 लीटर से बढ़ाकर 9.5 लीटर कर दी गई है। टर्न इंडिकेटर को पुराने डिजाइन और क्वालिटी में दिया गया है, ये अमूमन लचक ना होने की वजह से टूट जाते हैं। CD70 के मडगार्ड की बात करें तो पुअर क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। अमूमन मडगार्ड अंदरूनी साइड से जंग का शिकार हो जाते हैं और ये एक आम सी बात है। नई CD70 में कार्बोरेटर, क्लच और गियर के निजाम को इम्प्रूव किया गया है ताकि इंजन बेहतर फ्यूल एवरेज के साथ स्मूथ ड्राइव दे। इसके अलावा मोटरसाइकिल की ग्राफिक्स को बदल दिया गया है। मोटरसाइकिल के इंजन की बात करें तो 70cc दिया गया है जो कि 6.5 हॉर्स पावर और 7.5 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बाइक के फ्यूल एवरेज की बात करें तो 40 किलोमीटर पर लीटर करती है। होंडा CD70 की कीमत यकम नवंबर से 86,900 से बढ़ाकर 94,900 कर दी गई है। कीमत के लिहाज से होंडा CD70 अपने तमाम कंपटीटर से महंगी है। हमें लगता है होंडा CD70 को अपनी मोटरसाइकिल की बिल्ट इन क्वालिटी को बेहतर करना चाहिए और पुराने डिजाइन को छोड़कर एक नए और अच्छे डिजाइन में बाइक को लॉन्च करना चाहिए क्योंकि ये कीमत इस बाइक और इसकी क्वालिटी के लिहाज से बहुत ज्यादा है। रिजवान अख्तर को दें इजाजत, इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।